इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और केवल उन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो वायरस पे बेस्ड होते हैं मींस इस टॉपिक से कुछ आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ स्पेयर्स जो सीसीपी या एचसीपी सी लैटिस को फॉलो करेंगे और इनके अलावा उनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो वायर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड के फार्मूले आपसे पूछे जाते हैं तो उस फार्मूले का आप कैसे कैलकुलेशन करोगे उसी को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम फार्मूला लिख सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाता है वायर्ड्स पे बेस तो उस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा वायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि थ्री डी क्लोज पैकिंग में देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स आर फाउंड एंड दीज टू वायर्स आर आइडर टिट्रा हेड्रल वायर तो जब आप डी स्ट्रक्चर को टू डी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो तो फर्स्ट लेयर के बाद जब हम स्पेयर की सेकेंड लेयर को अरेंज करते हैं तो जो सेकेंड लेयर है उसका स्फेयर फर्स्ट लेयर के स्फेयर के बीच में जो होल्स बनते हैं उसमें कुछ होल्स को कवर कर देता है एंड द होल्स विच आर कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ सेकेंड लेयर इज ऑलवेज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल हेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्ट्रा के केस में क्या होगा जब हम सेकेंड लेयर अरेंज कर देते हैं स्फेयर के थ्रू तो सेकेंड लेयर के अरेंजमेंट के बाद भी कुछ होल्स होते हैं जो ओपन रह जाते हैं एंड दैट होल्स विच आर ओपन आफ्टर द सेकेंड लेयर आर ऑलवेज कॉल्ड एज आक्ट्रा होल्स और वायरस तो यहाँ पे क्या होगा जब टेट्राहेड्रल हेड्रल वायर्स बनेगा तो टोटल यहाँ पे फोर एटम्स इन्वॉल्व होंगे उसको बनाने में मीन्स देयर आर फोर डिफरेंट स्पेयर आर यूज्ड एंड इन केस ऑफ आक्टा हेड्रल वायर आर टोटल सिक्स स्पेयर आर इन्वॉल्व दैट्स वाई द कोडिनेशन ऑफ द टेट्रा हेडल वायर्स इज ऑलवेज फोर एंड द कोआर्डिनेशन ऑफ आक्टा हेड्रल वायस इज ऑलवेज सिक्स अगर किसी यूनिट सेल के अंदर हम उसके जो सेंटर होते हैं फेस के वहां से अगर तीन परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर दें तो यहां पे क्या होगा जो स्फेयर होंगे वो प्रेजेंट होंगे एट ऑल कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस तो इस तरीके से जो ये प्लेन होंगे दैट प्लेन डिवाइड द होल यूनिट सेल इनटू एट डिफरेंट स्मॉल क्यूब्स तो यहां पे जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनते हैं वो या तो पूरे इस यूनिट सेल के अंदर बनेंगे या फिर छोटे छोटे जो क्यूब्स होते हैं उनके अंदर भी बनते हैं तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वायर्स होता है वो सभी छोटे क्यूब्स के अंदर बनता है जिसमें एक टेट्राहेड्रल वायर्स का जो अरेंजमेंट होगा मैंने यहां पे दिखाया हुआ है अगर इसको कहीं पे भी आपको यूनिट सेल के अंदर बनाना है तो आपको करना क्या होगा आप किसी भी दो अपोजिट फेस को ले लो और उनके अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर आप स्फेयर अरेंज कर दो जैसे एक स्पेयर यहां पर अरेंज करेंगे तो एक इसके अपोजिट यहां फिर इसका अपोजिट फेस हमने नीचे वाला लिया जिसमें जो स्फेयर अरेंज करेंगे हम इसके अपोजिट फेस पे अरेंज कर देते हैं और जब इन्हीं सभी अपोजिट कॉर्नर्स को आप ज्वाइन करते हो तो जो स्ट्रक्चर थ्री आपको दिखेगा वही टेट्रा वायर्स होता है ऑक्टा हेड्रल वायरस के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको आप सेंटर में बना सकते हो या फिर आप यूनिट सेल के कुछ फ्रैक्शन को एक यूनिट सेल का यूज करके कुछ फ्रैक्शन दूसरे यूनिट सेल का यूज करके भी आप बनाते हो तो यहाँ पे हमने एक ही यूनिट सेल के अंदर ऑक्टा हेड्रल होल्स कैसे बनेगा उसका फिगर दिखाया हुआ है यहां पे जो स्फेयर ऑक्टा हेड्रल होल्स के अंदर आएगा वो प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इसमें सभी जो फेस सेंटर्ड स्पेयर्स होंगे उनके सेंटर को कनेक्ट करके आगटा हेड्रल वाय बनाया जाता है यहां पे जो टेट्रा हेडल और आगटा हेड्रल होल्स होते हैं उनका जो काउंट होता है किसी यूनिट सेल के अंदर इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ स्पेयर्स प्रेजेंट इन टू अ यूनिट सेल यूनिट सेल में जितने स्पेयर्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं के नंबर पे डिपेंड करता है And in any unit cell, if total number of constituent is n, then the total number of octahedral wires are formed is also n and total number of tetrahedral wires formed is double of the number of constituent present into the cell. So number of tetrahedral wires become two n. आपको नंबर याद होना चाहिए कि हमेशा कंस्टिट्यूंट्स एटम्स के बराबर ही ऑक्टा हेडल बनता है और उसका ठीक डबल टेट्रा हेडल वायर्स बनता है अगर ये चीज क्लियर रहेगी तो इसी को यूज करके हम लोग किसी भी कंपाउंड्स के लिए फार्मूला आसानी से बता सकते हैं अगर वो ऑक्यूपाई करता है किसी भी टेट्रा या आकटा होल्स को तो सबसे पहले आपको क्या करना है चेक करना है कि जो कंस्टिट्यूएंट वो प्रेजेंट बोल रहा है वो कहां बोल रहा है तो जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वो बोलेगा सीसीपी या एस क्लोज पैकिंग में प्रेजेंट है साथ में वायर्स वायर्स और वायर्स के अंदर प्रेजेंट है वो भी बोल देगा तो कुछ फार्मूले होते हैं जिसमें तीनों इन्वॉल्व होते हैं इसलिए तीनों को डिस्कस किया जाता है कुछ में होते हैं जिसमें दो ही यूज होते हैं तो उसको दो को डिस्कस किया जाता है तो जहां जहां कंस्टिट्यूएंट बोलेगा उसी को सबसे पहले आपको लिख लेना है और इसको लिखने के बाद सबसे पहले यहां जैसे सीसीपी में टोटल कंस्टिट्यूएंट अगर हम एन मानेंगे तो मैंने बताया था आक्ट्रा भी एन ही होता है और टेट्राहेड्रल उसका डबल होता है इसलिए इसको टू एन लिख लिया अब आपको क्या करना है यहां पे अगर कभी कोई फ्रैक्शन दे देता है साथ में हम इसके फ्रैक्शन को भी यूज कर लेते हैं तो यहां पे हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन कंसिट्यूएंट के सिंपल रेशियो लिख देते हैं सिंपल रेशियो लिखने के बाद हम इसका होल नंबर रेशियो लिख देंगे और होल नंबर रेशियो लिखने के बाद आपको इनके रेशियो एग्जैक्टली exactly मिल जाएंगे कितने होंगे फिर उसी से हम लोग उसका फार्मूला लिख देते हैं जैसे अगर हम एक यहां पे एग्जांपल ले लें तो एक प्रॉब्लम ये आपके पास है जिसमें बोल रहा है कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म सी सी पी लैटिस एंड दोलीमेंट एक्स्यूपाई टू थर्ड ऑफ दट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अब यहां पर केवल दो कंस्टिट्युंट की बात हो रही है जिसमें वाई सी सी पी लैटिस बना रहा है और एक्स टेट्रा हेडल वायर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे सीसीपी और टेट्राहेडल वायर्स अब सीसीपी में ये अरेंज कर रहा है वाई को और टेट्राहेडल में एक्स को इसलिए हमने यहां पे वाई और एक्स लिख लिया यहां पे अगर इनके कंस्टिट्यूएंट का नंबर लिखें, तो आपको पता है सीसीपी में अगर ये एन होगा तो टेट्राहेडल में टू एन इसलिए हमने नंबर लिख लिया यहाँ पे साथ में फ्रैक्शन लिखा गया है इसलिए पहले हम इनका फ्रैक्शन लिख लेते हैं तो इसका फ्रैक्शन नहीं दिया इसलिए ये एक ही लिखा जाएगा यहां पे इसका फ्रैक्शन टू थर्ड दिया था इसलिए हमने टू एन को टू थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया अब ऐसा करने के बाद अगर इसका सिंपल रेशियो लिखे तो y इज टू एक्स आपको दिख रहा है n रेशियो फोर एन बाई थ्री और अगर इसी को सिंप्लीफाई करें तो आपको रेशियो मिल जाएगा वन इज टू फोर बाई थ्री अब वन इज टू फोर बाई थ्री का अगर होल नंबर रेशियो हम लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा ये थ्री बाई फोर होल नंबर रेशियो लिखने के लिए आपको पता है कि जो फ्रैक्शन होता है उसके डी से हम सबको इन कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन हट के होल नंबर हो जाता है और वही नंबर ये थ्री इज टू फोर आ जाएगा इसका मतलब यहां पे क्या पता चला कि जो y होगा अगर थ्री टाइम्स होगा तो जो x होगा वो फोर टाइम्स होगा अब यहां पे हम फार्मूला लिख देंगे अपना जो फार्मूला आ जाएगा एक्स फोर और वाई थ्री यहाँ पे आप जानते रहना कि जो टेट्राहेड्रल और आकटा में कंस्टिट्यूएंट जाते हैं दैट कंसिचुएंट्स आर ऑलवेज कैटायन एंड द एटम्स प्रेजेंट एट सी सी पी लेटिस एंड एच सी पी लैटिस आर ऑलवेज इन आय एंड इन फार्मूला यू ऑलवेज राइट कैटाइन फर्स्ट मतलब ऐसे एलिमेंट को पहले लिखा जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए आप कैटाइन को पहले लिखोगे मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट आपको वायर्ट्स में जाता हुआ देखेगा उसको पहले लिखना होगा तो आप इसको लिख दोगे एक्स फोर वाई थ्री तो ये एक हो गया एग्जाम्पल अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे चलिए इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि अ सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू एटम क्यू आर इन सीसीपी अरेंजमेंट एंड पी ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स मतलब पी ऑक्टाहेड्रल हेड्रल में भी प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल में भी प्रेजेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा तो यहां पे तीनों यूज हुए हैं इसलिए हम सोल्यूशन में तीनों को सबसे पहले लिखेंगे जिसमें सी सी पी पे हमारा प्रेजेंट है Q और यहां पे प्रेजेंट है। इनका नंबर हमने लिख लिया n के लिए 2n और इसका n। अब यहां पे फ्रैक्शन दिया नहीं है इसलिए यहां पे हम लोग सिंपल रेशियो लिखेंगे सिंपल रेशियो Q और P का आपको n इज टू थ्री एन दिख रहा है क्योंकि P में हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे बिकॉज पी प्रेजेंट एट टेट्रा हेडल एंड आप जो सिंपल रेशियो है यही हमारा होल नंबर रेशियो भी रहेगा वन इज टू थ्री का अब यहां से जो हमारा फार्मूला बनेगा वो पी थ्री और क्यू बनेगा पी हमने पहले क्यों लिखा क्योंकि पी ऑक्यूपाई कर रहा था वाइट्स को और वायर्ड्स पे ही कैटाइन होते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इन अवी क्लोज स्ट्रक्चर आप मिक्सड ऑक्साइड वन एट ऑफ द टेट्राहेड्रल हेडल आर ऑक्यूपाइड बाय डाई आयन X2+, एक्स टू प्लस वाइल वन हाफ ऑफ दायर्स आर ऑक्यूपाइड बाय ट्राई Y3+, वाई थ्री प्लस वाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यहां पे मिक्स्ड ऑक्साइड बोल रखा है और जो दो कंस्टिट्यूएंट दिए हैं वो वायरस के अंदर दिए हैं तो यहां सी सी और एस uh, सी पे क्या है ये ऐसा कुछ बोला नहीं है लेकिन आप जानते रहो कि जब ऑक्साइड बोल दिया तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा ओ भी होना चाहिए इसलिए हम ओ को कहा कंसीडर करेंगे सी अरेंजमेंट के ऊपर क्योंकि ऑक्साइड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है मींस एनायन होता है और एनायन ही पूरे यूनिट सेल को बनाएगा इसलिए उसको हम सी पे यूज करेंगे तो यहाँ पे सी सी पी और आक्टा सभी वायरस यूज हो रहे हैं इसलिए हमने सबसे पहले इन तीनों को लिख लिया और कौन कहा प्रेजेंट है ऑक्सीजन सीसीपी पर टेट्राहेड्रल वायर्स के अंदर एक्स और आडल वायर्स के अंदर वाई इनका नंबर जो सिंपल होता है पहले वो नंबर लिख लिया उसके बाद इनके जो फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शन को लिख लेते हैं तो टेट्राहेड्रल के लिए फ्रैक्शन वन बाई एट दिया हुआ है और ऑक्टाहेड्रल के लिए हाफ दिया हुआ है इनको यूज करके जब हम सिंपल रेशियो लिखेंगे देन वी गेट द सिंपल रेशियो ऑफ ओ एक्स एंड वाई इज वन रेशियो वन बाई फोर रेशियो हाफ अब अगर इसी को होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई द होल रेशियो बाई फोर वी गेट फोर रेशियो वन रेशियो टू अब यहां पे x और y कैटाइन है इसलिए इनको पहले लिखना है तो अब चाहे x पहले लिखो चाहे y कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन लास्ट में होना चाहिए तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बन जाता है x वाई टू एंड ओ फोर नेक्स्ट फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड आयन विद टू आउट ऑफ एवरी थ्री ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय द फेरिकाइन तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं तो चलो इसके सलूशन में हम लोग एच यूज करेंगे और साथ में ऑक्टाहेड्रल होल्स जो कि दिया गया है आपको तो एच सी पी प्रेजेंट है ऑक्सीजन इसलिए ओ लिखेंगे और टेट्राहेड्रल में आपका प्रेजेंट है कायन इसलिए हमने एफ लिख लिया इनका अब नंबर जो होगा पहले नंबर लिख लेते हैं दोनों बराबर होते हैं इसलिए एन एन उसके बाद फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन यूज कर लेंगे फ्रैक्शन दिया है विद टू आउट ऑफ एवरी थ्री मतलब टू बाई थ्री फ्रैक्शन है यानी कि ऑक्टाहेड्रल होल्स हर तीन में दो कवर्ड हो चुका है इसलिए टू बाई थ्री तो फ्रैक्शन हमने लिख लिया अब लिखेंगे सिंपल रेशियो तो सिंपल रेशियो ऑफ ओ एंड एफ इज वन रेशियो टू बाई थ्री इसका होल नंबर रेशियो लिखेंगे तो आ जाएगा थ्री बाई टू एंड आफ्टर राइटिंग द फार्मूला वी यूज आयरन फर्स्ट सो द फार्मूला बिकम एफ टू ओ थ्री ये इसका फार्मूला हो गया नेक्स्ट प्रॉब्लम इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एन बी आर अरेन्ज्ड इन हेक्सा क्लोज पैकिंग टेटाइन ए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल हेडल वायर्स मतलब ए टेट्राहेड्रल में भी प्रेजेंट है और ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है इफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर ऑक्यूपाइड देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड तो यहां पे बी अरेंज है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और ए प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों वायर्स में इसलिए वायर्स और एचसीपी तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले hcp टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल b प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो hcp में b और इन दोनों में हम a लिख देंगे उसके बाद इनका नंबर पहले लिख लेते हैं तो जब hcp में n एटम होंगे तो टेट्राहेड्रल में 2n और ऑक्टाहेड्रल में n एटम होने चाहिए लेकिन यहां पे आप लोग देखो केवल एक n लिखा हुआ दिख रहा है उसके पीछे रीजन यही है जो लास्ट लाइन लिखा गया है कि इफ ऑल हेडल वायर्स आर ऑक्यूपाइड यानी सभी आगटा हेडल वायर्स को ऑक्यूपाई किया गया है, और आगटा हेडल वायर्स होते हैं एन इसलिए हमने एन लिख दिया अब यहां पे इसके पहले लिखा हुआ था कैटाइन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स मतलब कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वायर्स में ए बराबर बराबर है तो अगर ऑक्टाहेड्रल वायर्स को हम एन मानेंगे तो हमको टेट्राहेड्रल वायर्स को भी एन मानना पड़ेगा मतलब टेट्राहेड्रल वायर्स आधा कवर हो रहा है इसलिए अगर इसको टू एन लिखते तब भी हमको उसको फिर हाफ फ्रैक्शन यूज करना होता इसलिए टू मल्टीप्लाई वन बाई टू कर देते तो फिर एन ही आ जाता है इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे एन लिख रखा है आप पहले नंबर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे टू लिख सकते हो फिर उसका फ्रैक्शन आपको हाफ यूज करना पड़ेगा उसके बाद हम आते हैं इसके रेशियो पे सिंपल रेशियो बी और ए का हो जाएगा एन और इन दोनों का मिल हो जाएगा टू एन एंड द होल नंबर रेशियो इज वन इज टू टू फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ए टू बी तो इस तरीके से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगा वाइट्स पे बेस्ड आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है वीडियो में और कोई भी आपके पास क्वेरी है आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हो मुझसे डिस्कस कर सकते हो थैंक यू